पाकिस्तान में एक बार फिर भारत और मोदी सरकार का खौफ देखने को मिल रहा है। ताज़ा मामले में पाकिस्तान के सांसद अयाज सादिक ने विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। अयाज सादिक ने बुधवार को संसद में बोलते हुए दावा किया कि भारत के फाइटर पायलट अभिनंदन वर्धमान को भारत के खौफ के कारण ही पाकिस्तान ने छोड़ा था। सांसद अयाज सादिक ने कहा कि भारत के हमले की आशंका से उस समय पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के पैर कांप रहे थे, उनके चेहरे पर पसीना आ रहा था। अयाज सादिक ने कहा कि वहीं विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के पैर भी कांप रहे थे। अभिनंदन को लेकर वो कह रहे थे, खुदा के वास्ते उसे जाने दे। अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। पाकिस्तान को डर था कि अगर फाइटर प्लेन पायलट अभिनंदन को रात 9 बजे तक रिहा नहीं किया गया तो भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भारत से डर का खुलासा करते हुए कहा कि भारत के खौफ के कारण पिछले साल विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई हुई। उन्होंने कहा, भारत को खुश करने के लिए अभिनंदन को छोड़ा गया था। आपको बता दें कि 26 फरवरी 2019 में भारत ने बालाकोट में आतंकी कैंप पर एयर स्ट्राइक किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट भारत में हमला करने के लिए भेजे थे। इसका जवाब देते हुए भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 से उड़ान भरी थी और पाकिस्तान के एक F-16 को मार गिराया था। डॉग फाइट में पाकिस्तानी फाइटर जेट का पीछा करते हुए अभिनंदन पीओके में घुस गए थे। इस दौरान विमान क्रैश होने के कारण विंग कमांडर अभिनंदन पीओके में जा गिरे थे, जहां उन्हें पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था। इसके बाद पाकिस्तान पर काफ़ी दबाव बनाया गया, जिसके कारण अभिनंदन को पाकिस्तानी सेना ने भारत को वापस लौटा दिया। अभिनंदन के बारे में बोलते हुए पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने भी कहा था कि उनके पास पुख्ता इंटेलिजेंस इनपुट था कि अगर अभिनंदन को वापस नहीं लौटाया गया तो भारत ब्रह्मोस मिसाइलों से उन पर हमला करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।